So guys, this is the all-new Bajaj Pulsar N160, ये Bluetooth model 2024 वाली है, and आज हम इस गाड़ी की full detail review करने वाले हैं, and special thanks to GSV Bajaj for helping me out. अगर आपको बजाज का कोई product देखना है, चाहे आप N160 देखें, N150 देखें, आप NS125, NS या फिर Pulsar 150, Pulsar 220, Dominar, and Avenger कोई bike देखना चाहते हैं, शोरूम की सारी contact detail मैंने description में डाली है, आप जाएं, contact करें. So without any further ado, let's get started. So पहले बात करते हैं कीज से, तो हमें यहाँ पे conventional keys देखने को मिल जाती है. So हम इसे lighten up कर देते हैं. So front से start करें तो आपको बहुत ही aggressive look इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें in the front आपको two-piece LED dials मिल जाते हैं and bifunctional project LED headlamp देखने को मिल जाते हैं, जिससे मैं lighten up करके दिखा देता हूँ. नीचे की ओर बढ़ें तो हमें यहाँ पर 37mm का telescopic fog देखने को मिल जाता है एंड ओवर हेयर आपको डुअल टोन में आपको इस गाड़ी का मडगार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि क्रोम कलर में है एंड यहाँ पे आपको मैट कलर में देखने को मिल जाता है. टायर साइज की बात करें तो हमें यहाँ पे 100 सेक्शन फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है एंड इधर से हम आए तो हमें मैसिव सेगमेंट बेस 300mm का फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाता है विद डुअल चैनल ABS. हाँ गाइस, ये गाड़ी आपको डुअल चैनल ABS के साथ आती है एंड यहाँ पे हम आपको इस गाड़ी का इंडिकेटर दिखाते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल हैलोजन में आते हैं. सो टैंक की बात करें तो हमें यहाँ पे मस्कुलर मेटालिक टैंक देखने को मिल जाते हैं 14 लीटर कैपेसिटी के साथ, जिसमें आपको ई फ्यूलिंग का भी बैजिंग मिल जाता है एंड ये इंच फ्यूल कैप आ जाता है. सो नीचे की ओर आए तो हमें यहाँ पे 164.82cc का 2-stroke 2-valve ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है OBD2 कंप्लाइंट के साथ, जिसकी मैक्स पावर है 16 PS एंड मैक्स टॉर्क 14.65 Nm एंड बाइक 5-seat गियरबॉक्स साथ आती है. सो इंजन की बात करें तो गाड़ी का इंजन बहुत रिफाइन है, लाइक आपको नेग्लिजिबल वाइब्रेशन देखने को मिल जाएंगे अप टू 90 km/h एंड बाकी इस गाड़ी का आपको यहाँ पर इंजन काउल देखने को मिल जाता है, जो कि रॉक सॉलिड है. बाकी टैंक शॉट्स भी आपको इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा प्यारे मिल जाते हैं, जिसमें पल्सर का आपको एम्बलम यहाँ देखने को मिलता है. गियरबॉक्स की बात करें तो हमें यहाँ पर 5-seat गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको गियरबॉक्स बहुत ही क्लिक एंड प्रिसाइज फील देगा. बाकी क्लच पुल इस गाड़ी की बहुत ही सॉफ्टर साइड पर दी गई है एंड मीटर की बात करें तो हमें यहाँ पर अब अपडेटेड मीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ये निगेटिव डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के पॉइंट मिल जाता है, जिसमें टर्म्स ऑफ फीचर्स मिल जाते हैं लाइक स्पीडोमीटर, ट्रिप वेट, ओडोमीटर, ट्रिप बी, RPM मीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, फ्यूल गेज एंड आपको यहाँ पे रीफ्यूलिंग का वार्निंग भी आ रहा है. बाकी आप मोड चेंज करेंगे तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इवन आप इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी को आप इसके ट्रिप ए एज वेल एज ट्रिप बी के अनुसार सेट कर सकते हैं. बाकी इंजन वार्निंग का आपको लाइट यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है. इंजन सेटिंग्स की बात कर लें तो हमें यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ टर्न बाई टर्न नेविगेशन के साथ कॉल एंड मैसेज अलर्ट भी देखने को मिलेगा एंड ये रहा इसका कोड. बाकी इसका मीटर पहले से अपडेटेड कर दिया गया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा रॉक सॉलिड एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है एंड चाहे आप नाइट राइड करें या फिर आप डायरेक्ट सन में राइड करें, आपको इस गाड़ी के मीटर से कोई भी तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी. बाकी स्विचेस की बात करें तो हमें यहाँ पर बैकलाइट स्विच मिल जाती हैं, जो कि लाइट एंड वन को बहुत ज़्यादा प्यारे लगती है. यहाँ पर इसका पास बटन मिल जाता है एंड इस गाड़ी का यहाँ से आप देख सकते हैं मैं पास स्विच यूज़ कर रहा हूँ. मोड बटन मिल जाता है, आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है. बाकी इधर इंजन स्टार्ट ऑफ मैकेनिज्म, आपको लाइट ऑन ऑफ करने का एक बहुत अच्छा फीचर देखने को मिलता है. देखिए बैटरी डेड होने के बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एंड इंजन स्टार्ट मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है. बाकी इस गाड़ी में आपको क्लब स्टाइल हैंडल बार देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गाड़ी को अच्छा हैंडल प्रोवाइड करते हैं. एंड इधर की ओर आए तो हमें चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जो कि यार होना बिल्कुल कंपलसरी है. बाकी मेटालिक फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस गाड़ी में. सीट की बात करें तो हमें यहाँ पर स्प्लिट सीट में गाड़ी देखने को मिल जाती है, जो राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल है एंड यहाँ पे आप इसकी फोम क्वालिटी को देख सकते हैं. बाकी पिलियन कंफर्ट को बढ़ाने के लिए इस गाड़ी में आपको स्प्लिट ग्रैब हैंडल बार देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन रॉक सॉलिड है. पीछे की ओर आए तो हमें इस गाड़ी का बहुत ही प्यारा टेल टाइट देखने को मिल जाता है, जो कि सीरियसली इस गाड़ी को बहुत ही स्टडी लुक देता है एंड बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लुक भी देता है. टायर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर 17 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है एंड ये आपको MRF की तरफ से आते हैं. बाकी आपको यहाँ पे 5-step एडजस्टेबल मोनोशॉक देखने को मिल जाता है एंड रियर से बात करें तो आपको यहाँ पे क्रिस्टलाइज LED टेल लैंप देखने को मिल जाती है. सो बॉडी की बात करते हैं, सो शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट. सो कंपटीशन में बात करता हूँ, आपको बहुत सारी बाइक मिल जाती है लाइक अपाचे 164V, एक्सट्रीम 160R4V, आपको NS 160 जो कि इसकी राइवल है वो भी मिल जाती है. देन वाई यू शुड बाई दिस बाइक,
सबसे पहले बात करते हैं, ये गाड़ी का लुक आपको सबसे ज्यादा अपडेटेड देखने को मिल जाता है एंड बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव देखने को मिलता है। लाइक आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या ऑफिस गोइंग एम्प्लॉय हो, आपको ये गाड़ी का लुक बहुत ही शानदार लगेगा। माइलेज आपको इस गाड़ी में बहुत ही अच्छी मिल जाएगी एंड टॉप स्पीड एंड गाड़ी की स्टेबिलिटी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल जाएगी। 1.6 लाख ऑन रोड में आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाता है। आपको इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी सेगमेंट बेस्ट देखने को मिल जाती है। टायर ग्रिप बहुत अच्छा है एंड एग्जॉस्ट भी आपको अंडर बेली वाला देखने को मिलता है, जो कि इसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी को और इंक्रीज करता है। सो अब मैं आपको इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। बाकी इस गाड़ी का मेन यूएसपी आपको इसका हेडलाइट भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको इसका थ्रो फीडबैक एंड लाइट स्पीड बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है। सो दैट्स फॉर नाउ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर आप बजाज का कोई प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो आप GSE बजाज के साथ संपर्क कर सकते हैं। सो रुपये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। सो जय हिंद, वंदे मातरम।